Hello and welcome friends on my YouTube channel. Please subscribe, like and share to my channel. आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से लेकर 106 तक में सभी व्यक्तियों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है. आज मैं आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताऊंगी. सेल्फ डिफेंस क्या होता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है और सामने वाले व्यक्ति को इसमें कितनी क्षति पहुंचाई जा सकती है. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. यह कानून महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है. सबसे पहले आत्मरक्षा क्या है. कोई भी व्यक्ति स्वयं की जान व माल की रक्षा के लिए किसी को रोके व कोई भी साधन उपयोग करके उससे अपनी जान व माल की रक्षा करे वह आत्मरक्षा होती है. व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अतिचार के खिलाफ कर सकता है. ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे की जान बचाने के लिए भी कर सकता है पर संपत्ति बचाने के लिए नहीं कर सकता. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो वह आत्मरक्षा में आता है. दूसरा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस के अधिकार के सिद्धांत. आत्मरक्षा का अधिकार रक्षा या आत्मसुरक्षा का अधिकार है. इसका मतलब प्रतिरोध या सजा नहीं है. आत्मरक्षा के दौरान चोट जितनी जरूरी हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यह अधिकार सिर्फ तभी तक ही उपलब्ध है जब तक कि शरीर अथवा संपत्ति को खतरे की उचित आशंका हो या जब तक कि खतरा सामने हो या होने वाला हो आदि. नेक्स्ट टॉपिक है आत्मरक्षा को साबित करने की जिम्मेदारी. आत्मरक्षा को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है कि वह तथ्यों व परिस्थितियों के द्वारा ये साबित करे कि उसने ये काम सेल्फ डिफेंस में किया है. सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रश्न केवल अभियोग द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों को साबित करने के बाद ही उठाया जा सकता है. आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त को सेल्फ डिफेंस के अधिकार के लिए निवेदन करना चाहिए. अगर अभियुक्त आत्मरक्षा के अधिकार की गुहार नहीं कर पाता है तब भी न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर उसे उचित सबूत मिले तो वह इस बात पर गौर करे. यदि उपलब्ध साक्ष्यों से ये न्याय संगत लगे तब ये निवेदन सर्वप्रथम अपील में भी उठाया जा सकता है. अभियुक्त पर घाव के निशान सेल्फ डिफेंस के दावे को साबित करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आत्मरक्षा की परिस्थितियाँ. जब किसी व्यक्ति की जान खतरे में हो और उसे लगे कि व्यक्ति उसे जान से मार ही देगा और उसके पास हथियार भी हो तो वह उसे बचने के लिए उस पर हमला करना सेल्फ डिफेंस है. ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है तो उससे लड़ने के लिए पर्याप्त बल ना होने की स्थिति में भी किसी हथियार का उपयोग सेल्फ डिफेंस है. हत्या के मामले में आत्मरक्षा. कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति से हत्या भी हो सकती है. उसके लिए पर्याप्त कारण होना जरूरी है पर कई बार बिना चोट लगे व किसी के हमले किए बिना भी हत्या हो सकती है. पर फ्रेंड्स याद रहे इसके लिए परिस्थिति व जगह भी मायने रखती है. ये नहीं कि हम किसी के घर पर जाकर उसे खूब मारें और उसे सेल्फ डिफेंस का नाम दे दें. ये क्राइम है. नेक्स्ट पॉइंट है रेप के केस में सेल्फ डिफेंस. माताओं व बहनों को शायद ये पता बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बिना कोई भी चोट खाए किसी की पिटाई या हत्या तक कर दें तो वो सेल्फ डिफेंस माना जाएगा. जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी नारी को अकेला देखकर उसकी इज्जत पर हमला कर दे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उसे चोट पहुंचाए या छुए. तभी वह प्रतिघात करे वह इससे पहले भी किसी हथियार का प्रयोग कर सकती है. इसके लिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं. फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि कब सेल्फ डिफेंस सही नहीं होती है. अगर कोई व्यक्ति हमें प्रोवोक यानी कि उकसाए और हम उसे पीटें या मार दें तो वो भी सेल्फ डिफेंस में नहीं आता. इसके लिए ऐसे हालात होने ज़रूरी होते हैं कि हमने अगर उसे नहीं मारा होता तो वो हमें मार देता. किसी मंदबुद्धि या पागल के केस में सेल्फ डिफेंस. अगर कोई व्यक्ति पागल है, मंदबुद्धि है और उससे कोई पीटने या जान से मरने का अपराध हो जाता है तो उसे कोर्ट सज़ा नहीं दे सकती. पुलिस की भूमिका. पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करे और अगर आत्मरक्षा का मामला बनता है तो उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करे. पर जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पुलिस ऐसा नहीं करती तो यह हमारा ही प्रयास बनता है कि हम अपने आप को निर्दोष साबित करें. नेक्स्ट है किसी दूसरे व्यक्ति के केस में रक्षा. अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी को रोक देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है
पर किसी व्यक्ति को पीटने व जान से मारने के लिए आपके पास सही वजह होनी चाहिए। आप ऐसा जब ही कर सकते हैं जब वह व्यक्ति मरने वाला हो, उसे बचाने के लिए सामने वाले को पीटने व जान से मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो। पर इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप सही व्यक्ति को बचा रहे हो तथा आपके पास उचित मामले की सही जानकारी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुलिस मेन सादी वर्दी में किसी अपराधी को पकड़ रहा हो तो आप उस अपराधी को बचाते हो या भागने का मौका देते हो तो आप दोषी हो। इसके लिए आपको कोर्ट में सजा मिलेगी। नेक्स्ट है, आत्मरक्षा से अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करें। हर किसी केस की परिस्थिति अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि झूठ को काटने के लिए झूठ ही बोला जाता है। जैसे कि आपने कोई झूठ इसलिए बोला कि आपके किसी फ्रेंड ने किसी को पीट दिया और वो जान से मार रहा था, ऐसा करके आपने उसकी जान तो बचा ली पर उल्टा उसने आप पर केस दर्ज करवा दिया। आप दोनों ने उससे मिलकर पीटा है, वह तो निर्दोष है। अब ऐसी परिस्थिति में हम डिफेंस को न लेकर दूसरी तरह से बात घुमाकर केस लड़ेंगे। तो इन सभी व्यक्तियों के रिश्ते, जगह, परिस्थिति, वह पहले किसी समस्या को लेकर ही डिफेंस लिया जाएगा। ऐसे में इस बारे में लिखना बहुत बड़ा लेख होगा। अगर आप किसी को ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यह था फ्रेंड्स सेल्फ डिफेंस के बारे में, और आई होप कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।